आपको एचआईवी कैसे हो सकता है इसके बारे में आज मैं आपको जानकारी दूंगा। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। एचआईवी मतलब ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, एचआईवी। ये एक बीमारी है एचआईवी, और ये एचआईवी बीमारी तब होती है जब ये ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस कोई व्यक्ति के ब्लड में जाता है, और फिर एचआईवी होने के बाद में उसको कुछ दिन बाद में एड्स होने का धोखा है। तो एड्स ये अलग बीमारी है, एचआईवी अलग है, मगर एचआईवी होने से एड्स होता है। तो एड्स क्या है? ऑटो इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, वो सिंड्रोम है एड्स, HAIDS, एड्स। तो हम देखेंगे आज एचआईवी के बारे में। तो एचआईवी जो वायरस है, ये ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस एचआईवी, वो खून में जाने से होता है किसी को। और वो वायरस जब खून में जाता है तो फिर अलग अलग तरह के लक्षण दिखते हैं, जैसे सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, फिर अलग अलग शरीर के हिस्से में दर्द होना, फिर नींद नहीं आना, भूख नहीं लगना, धड़कन होना, जी घबराना, बेचैनी, खाना नहीं जाना, अनाज नहीं पचना, कभी दमा लगना, ऐसे अलग 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 विकार होते रहते हैं। और वो सिम्टोमेटिकली उसको ट्रीटमेंट देके वो अच्छे हो जाते हैं। ये होता ऐसा है कि ये वायरस जो है तो ये विषाणु खून में रहता है कोई व्यक्ति के, तो खून में रहता है या वो लैंगिक स्त्राव में, मतलब सीमेन जो है धातु उसमें रहता है, वो जो बाधित व्यक्ति है उसके लैंगिक स्त्राव में मतलब सीमेन में रहता है, खून में रहता है। शौच जहाँ से होता है उसको बोलते हैं रेक्टम, तो वहाँ का जो फ्लूइड होता है उसमें होता है, रेक्टल फ्लूइड में। वजाइनल फ्लूइड में होता है, मतलब योनि का जो स्त्राव है उसमें होता है, माँ के दूध में होता है। और जो गर्भवती महिला है, वो गर्भवती महिला यदि उसको है तो उसके बच्चे में हो सकता है। तो ये वायरस का जो लोड है, मतलब बहुत सारा लोड, बहुत सारा वायरस जब खून में, सीमेन में, रेक्टल फ्लूइड में, वजाइनल फ्लूइड में, मिल्क में होता है, तो वहाँ से फिर वो दूसरे बाधित व्यक्ति के खून में जाता है। तो दूसरे बाधित व्यक्ति के, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक कैसा जाएगा? तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के खून में वो जाएगा। तो वो कैसा जाएगा? तो जाएगा म्यूकस मेम्ब्रेन से। मतलब म्यूकस मेम्ब्रेन कहाँ कहाँ है? म्यूकस मेम्ब्रेन है लिंग के एकदम टिप पे, एकदम टोक जो रहता है लिंग के, वहाँ म्यूकस मेम्ब्रेन है, वहाँ से वो जा सकता है अंदर खून में। या फिर रेक्टम जो है वहाँ के, वहाँ से खून में जा सकता है। वजाना योनि है, वहाँ से जो मेम्ब्रेन है, रेक्टम का जो आवरण है अंदर का, वहाँ से अंदर जा सकता है। योनि का जो आवरण रहता है अंदर का, वहाँ से जा सकता है। माउथ का जो आवरण रहता है, वहाँ से जा सकता है अंदर। तो वो दूसरे व्यक्ति के जो मेम्ब्रेन है, मतलब जो आवरण अंदर से है, जहाँ जहाँ छेद है वहाँ वहाँ आवरण है। मुंह को होगा, शौच जहाँ से होता है रेक्टम, वहाँ गुदा द्वार वहाँ होगा, या योनि को होगा, या लिंग को होगा, जहाँ भी अंदर मतलब छेद है वहाँ आवरण है। तो वहाँ के आवरण से वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के खून में जाता है, और फिर दूसरे व्यक्ति को होता है। इसलिए फिर जिसको एचआईवी हुआ है उसके साथ में सेक्स करना ठीक नहीं है। यदि सेक्स करते हैं तो जिसको नहीं है उसको, वो उसके शरीर में वो चले जाएगा और उसको एचआईवी हो जाएगा। इसलिए फिर अब जब हम बोलते हैं कि भाई आप कोई स्त्री के पास में जाते हो, सेक्स वर्कर के पास में जाते हो, वेश्या के पास में जाते हो, या कोई भी व्यक्ति के पास में, स्त्री के पास में, पुरुष के पास में जाते हो, तो वो व्यक्ति को एचआईवी नहीं होने को ना। अभी हमको ये पता नहीं कि उसको एचआईवी है कि नहीं है, और आप तो सेक्स कर रहे, तो फिर क्या करना पड़ेगा? तो फिर प्रिकॉशन लेनी पड़ेगी कि एचआईवी नहीं होना चाहिए करके। प्रिकॉशन क्या है? प्रिकॉशन है कि कंडोम का वापर लोग करते हैं, और कंडोम का वापर करके, एक ही कंडोम से कभी होता नहीं, क्योंकि एक आधा एक ही कंडोम में अच्छे क्वालिटी का नहीं रहा हो, फट गया, तो इसलिए लोग दो कंडोम लगाते हैं, और दो कंडोम लगा के फिर सेक्स करते हैं। मगर तभी भी ये देखना है कि भाई वो कंडोम फटने को नहीं होना। कभी कभी क्या होता है कि दो कंडोम के बीच में कभी एयर रहती है, और वो प्रेशर से एयर फट के बाहर आती है, और वो फट सकता है वो भी, तो वो केयर लेने को होना। यदि वो केयर लेते हैं तो फिर ठीक हो जाता है। तो फिर आपको ये मालूम होना चाहिए कि जिसके साथ में आप सेक्स कर रहे हैं उसको एचआईवी नहीं है। मगर आप ये समझ के चलो कि एचआईवी नहीं है मालूम होने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि एचआईवी नहीं मालूम ही होता नहीं। तो फिर हमने प्रिकॉशन लेना जरूरी है, और हरदम जब कोई भी अनोखी व्यक्ति है उसके साथ में आप सेक्स करते हैं, आपको मालूम नहीं उसका इतिहास, तो फिर उस समय जब भी आप कभी सेक्स करते हैं तो कंडोम पहनना, और दो दो कंडोम पहनना जरूरी है।
अभी कभी कभी ऐसा होता है कि लोग एक दूसरे के ऊपर भरोसा रखते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, एक दूसरे के ऊपर भरोसा रखते हैं कि नहीं नहीं इसका कोई संबंध बाहर नहीं होगा, ये तो बिल्कुल अपने से वफादार है, और ऐसा करके कंडोम का वापर नहीं करते, और फिर उस समय HIV हो सकता है। तो HIV जो है वो हवा से, पानी से, सलाइवा से, पसीने से, हैंड शेकिंग से, अलिंगन देने से, टच करने से, झूठा पानी पीने से, सीख देने से, ऐसा कहीं HIV एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति जाता नहीं है। वो जाने का एक ही है कि वो सेमिनल फ्लूइड, वजाइनल फ्लूइड वहाँ से अंदर, और खून वहाँ से अंदर दूसरे व्यक्ति में घुस सकता है। एक व्यक्ति का खून दूसरे व्यक्ति के खून को लग गया तो वहाँ से HIV हो सकता है। जैसे नीडल से, इन्फेक्टेड नीडल से वो HIV के व्यक्ति को इंजेक्शन दिया और वो नीडल गलती से अपने हाथ को लग जाती है और वो अंदर अपने हाथ को लगने के बाद में वहाँ से खून आता है, तो खून को खून मिल गया तो फिर HIV हो सकता है। तो ये HIV के कारण है। जितनी ज़्यादा आप केयर ले सकेंगे उतना अच्छा है, ताकि ये ह्यूमन इम्यूनो डिफिशेंसी वायरस जो HIV, वो वायरस अपने शरीर में जाएगा नहीं, क्योंकि ये शरीर में जाता है तो ये ऐसी बीमारी है ये कि उसका इलाज नहीं है, उसका इलाज सिर्फ सिम्टोमेटिक है, ठीक है ना। और वो होने के बाद में भी समझो आपको हुआ है, मालूम पड़ा, आपने टेस्ट कर लिया, टेस्ट से मालूम पड़ा कि ये हो गया HIV, तो फिर उसका इलाज करते हैं तभी भी, तब आगे एड्स नहीं होगा। HIV तो ठीक नहीं होगा मगर कभी आगे एड्स नहीं होगा, वो प्रिकॉशनरी मेजर आप ले सकते हैं। हमारा जो चैनल है, चैनल में आपको ऐसे नए नए वीडियो आते जाएंगे, ये वीडियो को आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मेरा ऐप है प्ले स्टोर के ऊपर, वो ऐप आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ फ्री चैटिंग कर सकते हैं। आपको इसके बारे में कोई भी सवाल होंगे तो नीचे नंबर दिए हुए हैं, वहाँ आप कॉल करके सवालों के जवाब आप ले सकते हैं। आप हमें कॉल करके आप कंसल्टेशन भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।